हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त लकी गुबरेले आ गया हूँ एक नई आइडिया के साथ। आज हम बात करेंगे आप अपने वोटर आईडी को कैसे एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, आप उसके फ्रंट और बैक साइड दोनों को एडिटिंग करके एक फ्रेम में ऐड कर सकते हैं, और उसका साइज़ जो है वो रिसाइज करके 50 KB के अंडर कैसे ला सकते हैं। तो मैं आज ये दोनों चीज़ों पर डिस्कस करूँगा और आपको लाइव प्रूफ करके बताऊँगा कैसे आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं करूँगा पैंट के थ्रू, ठीक है? तो जो लोग नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये वोटर आईडी का फ्रंट और बैक साइड दोनों रखे हैं। तो सबसे पहले मैं जो बैक साइड है उसको राइट क्लिक करके ओपन विथ करता हूँ, और इसको जो है पैंट में ओपन कर देता हूँ। ये मैंने उसको पैंट में ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो वोटर आईडी है उसको आप सेलेक्ट कर देंगे बैक पार्ट को। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसको आप चाहे तो कॉपी या कट दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ इसको कॉपी और इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब मैं जो इसका जो फ्रंट है उसको राइट क्लिक करके इसको भी ओपन विथ करता हूँ, और ओपन विथ करने के बाद इसको भी पैंट में ओपन कर देता हूँ। ये इसका मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लिया। अब ये जो फ्रंट है इसको भी मैंने पैंट में ओपन कर लिया, और ये जो साइड में ऑप्शन आ रहा है इससे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे साइज इसको एडजस्ट कर देंगे। आप एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जो पेस्ट का ऑप्शन है उसको आप पेस्ट कर देंगे, और जो बैक साइड का था वोटर आईडी उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और एक ही बार में आप इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ से फिर आप उसका साइज जो है जैसा था वैसे आप इसको सेट कर देंगे। याद रखिए कि एक ही बार में आप उसको सेट कर देंगे, नहीं तो दूसरी बार वो नहीं हो पाता, ठीक है? तो यहाँ इस तरीके से ये कर सकते हैं, और फिर इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव करने के लिए सेव एज़ का ऑप्शन मिल जाता है। जेपीजी फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स है 50 KB से कम हो तो आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। रिसाइज करने के लिए यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन मिलता है, और इसको रिसाइज पे क्लिक करने के बाद आपको जो पिक्सल है वो सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के अंदर 250 आपको लिख लेना है। और 250 लिखने के बाद जो वर्टिकल है वर्टिकल में आपको जैसा का वैसा रखना है, केवल हॉरिजॉन्टल में 250 लिखना है और ओके कर देना है, ठीक है? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी भी डाउन नहीं हुई और सब कुछ सेट हो गया, ठीक है? फिर फाइल पे जाके सेव एज़ पे जाके जेपीजी फॉर्मेट में आपको इसको सेव कर लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर जेपीजी फॉर्मेट में ही मांगे जाते हैं। और मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर देना वोटर आईडी न्यू नाम से, और डेस्कटॉप पे इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। ये देखो मेरा डॉक्यूमेंट्स बन के रेडी हो गया, ठीक है? इसका बैक पार्ट और एंड पार्ट दोनों ऐड हो गया। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखो 24.4 KB, मतलब समथिंग 25 KB का हो गया ये डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इसको भी बहुत इजी वे में अपलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। थैंक यू।